मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसा, वो भी बहुत ही डिफरेंट और इनोवेटिव ढंग से। आज मैं आलू पनीर रिंग समोसा बनाऊंगी, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में उतना ही टेस्टी है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आलू पनीर रिंग समोसा बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, 250 ग्राम मैदा हो गया, और 1/2 टीस्पून अजवाइन लेते हैं, इसे भी हम डाल देंगे। और अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच नमक और सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालते हैं 4 से 5 चम्मच तेल। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, घी डालने से जो समोसे हैं थोड़े क्रिस्पी बनते हैं। और तेल डालकर हम एक बार अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो तेल को मैंने आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख रहे हैं जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रम्बली हो गया है आटा, जस्ट लाइक ब्रेड क्रम्स जैसे होते हैं उस हिसाब से आटा हो गया है। और इसी समय अब इसमें हम डालते हैं पानी। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, हमें थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है, जैसा कि हम पूड़ी लगाने में करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आटा बिल्कुल लगकर तैयार है और आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट भी है थोड़ा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत कड़े भी नहीं है। तो इस तरीके से हमें आटे को लगाना है और अब इसे हम 10 से 15 मिनट तक कवर करके रख देते हैं और तब तक के लिए हम स्टफिंग भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर समोसा की स्टफिंग। तो पैन में डालते हैं हम 1.5 चम्मच तेल और तेल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 3/4 टीस्पून जीरा और साथ ही साथ इसमें हम 3/4 टीस्पून धनिया के सीड्स भी डाल देते हैं क्रश किए हुए, और थोड़ा सा हींग डाल देंगे और सभी को हम कुछ सेकेंड के लिए मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं उबले और मैश किए हुए आलू। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और अब इसे हम डालते हैं पैन में। और फिर हम डालते हैं 100 ग्राम्स पनीर जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। साथ ही साथ इसमें हम डालते हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो बिल्कुल भी तीखी नहीं है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे, आमचूर पाउडर डाल दीजिए 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला डाल देंगे और सभी मसाले को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें क्रश किए हुए काजू, किशमिश, जैसा खाना पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। तो ये स्टफिंग के लिए मसाला बिल्कुल तैयार है। लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी धनिया की पत्ती और सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हम फ्लेम को बंद करेंगे। और ये हमारा आलू पनीर का मसाला स्टफिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम आलू पनीर रिंग समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट्स हो गया है और जो हमारा आटा है वो पूरी तरीके से सेट हो गया है। इसे एक बार हम अच्छे से फिर से मसल लेते हैं। हम इसे काउंटर टॉप पे रखते हैं जिससे कि इसे मसलना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल स्मूथ आटा तैयार हो गया है और अब इसे हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं और बाकी 2 पोर्शन को हम रख देंगे। और लेते हैं हम अपना 1 पोर्शन और इसे अब हम अच्छे से रोल कर लेंगे। हमें मीडियम थिक रोल करना है और बेलते समय हम सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो आटे को मैंने बिल्कुल रोल कर लिया है और अब इसे हम एक स्क्वायर शेप में कट करते हैं। इसे बिल्कुल स्क्वायर शेप में कट करने के बाद पतले पतले स्लिट्स लगाते हैं। 1/2 द वे में हम स्लिट लगाएंगे, फुल हम कवर नहीं करेंगे। और अब हम एक साइड में रखते हैं स्टफिंग।
हमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है। और स्टफिंग भरने के बाद इसे हम रोल करते हैं, तो इस तरीके से रोल करेंगे और हम इसे रोल करते जाएंगे। और आप देख रहे हैं ये ऐसा शेप आ गया है। और अब इसे हमें रिंग समोसा बनाना है, तो हम इसे फोल्ड करेंगे इस टाइप से। तो फोल्ड करने के बाद हमें एजेस को सील करना है, तो सील करने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा मैदा और इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। पानी डालकर हम थिक पेस्ट बना लेंगे या आप आटे का भी पेस्ट बना सकते हैं। और ये थिक पेस्ट बिल्कुल तैयार है, तो हम थोड़ा सा मैदा का पेस्ट लेते हैं और इसे हम अच्छे से सील कर लेंगे, नहीं तो ये फ्राई होते समय खुल सकता है। तो इस बात का हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारा जो रिंग समोसा है वो सील होना बहुत ज़रूरी है। तो एक रिंग समोसा बनाकर मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है और इसी तरीके से बाकी डो के भी हम समोसा बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 4 पीसेस आलू पनीर समोसा रिंग बनाकर रेडी कर लिया है और चलिए अब इसे हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने लिया है तेल और तेल को मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है। ध्यान रहे कि तेल बिल्कुल भी तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और एक एक करके हम इसे मीडियम हॉट ऑयल में डालेंगे। हम एक बार में 2 ही समोसे रिंग फ्राई करते हैं और ध्यान रहे कि फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिंग ऊपर से तो ब्राउन जल्दी हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। तो इन्हें हम उलट पलट कर फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। 1 से 2 मिनट तक पकने के बाद समोसे को हम बिल्कुल जेंटली पलटेंगे और उलट पलट कर हम इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, धीमी आंच पे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है और जो समोसे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इन्हें आप बीच बीच में बिल्कुल सावधानी से पलटिए और इस समय फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम कर देते हैं क्योंकि ये अंदर से पूरी तरीके से सिक चुके हैं। बस मुझे कलर लाने के लिए फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करना है और उलट पलट कर जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए हम इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल जेंटली हमें इसे पलटना है। तो फ्रेंड्स, रिंग समोसा बिल्कुल तैयार है। इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं। हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं जिससे कि जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। बाकी सभी रिंग समोसा को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आलू पनीर रिंग मसाला समोसा बिल्कुल बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर आप थोड़ा इनोवेटिव कुछ करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और मैंने बाकी बचे हुए डो से जो थोड़ा सा बच गया था, जो मैंने साइड्स में कट किया था, उसके मैंने समोसे बना लिए हैं। तो आप दोनों चीज़ बना सकते हैं। समोसे की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी दी गई है, तो आप उस पर क्लिक करके समोसा घर में कैसे बनाए ये भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना आलू पनीर रिंग समोसा कितना अच्छा लग रहा है और इसे आप किसी भी पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।